वेलकम टू क्विक पर्सनैलिटी टेस्ट। इस तस्वीर में आपने सबसे पहले क्या देखा? अगर आपने एक चेहरे को देखा तो आप एक बहुत सेंसिटिव और इंट्रोवर्टेड पर्सन हो। अगर आपने एक बर्ड को देखा तो आप बहुत एक्स्ट्रोवर्टेड और एडवेंचरियस पर्सन हो। ये दोनों चेहरों में से सबसे सरप्राइज्ड कौन सा लगता है? अगर आपने वन चूज़ किया तो आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो और आप बहुत ईजी गोइंग हो। अगर आपने टू चूज़ किया तो आप बहुत सीरियस पर्सन हो और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। ये दोनों चेहरों में से आपको डरा हुआ चेहरा कौन सा लगता है? अगर आपने वन चूज़ किया तो आप छोटे छोटे चीज़ों के बारे में टेंशन लेते हो। अगर आपने टू चूज़ किया तो आप एक वर्कहॉलिक हो। ये दोनों चेहरों में से आपको सबसे घमंडी चेहरा कौन सा लगता है? अगर आपने फर्स्ट चूज़ किया तो आप एक ओवर अचीवर हो। अगर आपने सेकंड चूज़ किया तो आप एक रेबल हो और आपको रूल्स ब्रेक करने में पसंद है। क्विक पर्सनैलिटी टेस्ट, आपने इस पिक्चर में क्या देखा? अगर आपने इस पिक्चर में ट्री देखा तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। अगर आपने इस पिक्चर में एक लड़की का फेस देखा तो आप एक एनालिटिकल पर्सन हो। क्विक पर्सनैलिटी टेस्ट, आपने इस पिक्चर में पहले क्या देखा? अगर आपने इसमें वुल्फ या लायन देखा तो आप एक टीम प्लेयर हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आपने कोई भी दूसरा जानवर देखा तो आप एक लोनर टैलेंटेड पर्सन हो। पर्सनैलिटी टेस्ट, आपने इस पिक्चर में क्या देखा? अगर आपने इस पिक्चर में लेफ्ट साइड की तरफ एक पर्सन को देखा तो आप एक एनालिटिकल पर्सन हो, आप बड़ी तरीके से सोचते हो। अगर आपने इसमें एक बिल्ली और लड़की को देखा तो आप क्रिएटिव पर्सन। क्विक पर्सनैलिटी टेस्ट, आपने इस पिक्चर में क्या देखा? अगर आपने इस पिक्चर में एक बंदर को देखा तो आप एक राइट ब्रेन पर्सन हो, यानी कि आप क्रिएटिव हो। अगर आपने इस पिक्चर में एक शेर का फोटो देखा तो आप लेफ्ट ब्रेन पर्सन हो, यानी कि आप एनालिटिकल हो। क्विक पर्सनैलिटी टेस्ट, आपने इस पिक्चर में क्या देखा? अगर आपने इसमें एक पेड़ देखा तो आप एकदम ही लॉजिकल इंसान हो, आप सोच समझ के काम करते हो। अगर आपने एक आदमी का फेस देखा तो आप अतीत के अनुभवों से काम करते हो। क्विक पर्सनैलिटी टेस्ट, इस तस्वीर में आपने सबसे पहले क्या देखा? अगर आपने एक चाकू देखा तो आपको इलनेस से बहुत डर लगता है। अगर आपने एक कैटरपिलर देखा तो आपको भूत पिशाच से बहुत डर लगता है। अगर आपने एक एप्पल को देखा तो आपको किसी चाहने वाले की मृत्यु से बहुत डर लगता है। और अगर आपने एक बटरफ्लाई देखा तो आपको बिट्रे से, धोखा से बहुत डर लगता है।